टारगट यूजिंग फैक्चुएशन ओके सो दिस इज़ एबल्स मॉडल एंड वी कैन सी हेयर देर आर ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ तो जैसे जो डिजिटल कैमरा था उसने इनिशली uh, जिन कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया वो एमेचोर्स थे और uh, वो इस्तेमाल कर रहे थे लेयर और फन के लिए कैमरा को तो अब ये जो कस्टमर की लॉट थी ये ऐसी थी जिसको कोई बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं थी वो बड़ी रिफाइंड पिक्चर्स उनको नहीं चाहिए थी बल्कि उनको तो ये आसानी थी कि उनको फिल्म ख़रीदने नहीं जाना पड़ता फिर वो फ़िल्म जो है उसमें कैमरे में डालनी पुराना जो टेक्नोलॉजी थी और फिर वो फिल्म को बाद में डेवलप करने के लिए देना और फिर उसके प्रिंट कराने और फिर प्रिंट जो है वो वसूल करने जाना उसको पे करना तो उसकी नस्बत उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी बड़ी ही अट्रैक्टिव लगी कि आपने फ़ौरी तौर पर आपने जो तस्वीर खींची आप उसको देख भी सकते हैं उसको आप अटैच कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के साथ फिर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं या आप उसको डिस्क के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं थ्री जो है फिर बाद में आप दे सकते हैं प्रिंट के लिए और ये उसके बाद तो ये इनिशली जो एम और ये जो हमें नज़र आ रहे हैं सेगमेंट एम और ये लेयर के इनको इसने बड़ा अट्रैक्ट किया और बल्कि इनकी जो नीड्स थी कस्टमर नीड्स अगर आप देखें तो वो सिर्फ आ, स्पीड बड़ी तेज़ी से कि हमें फ़ौरी तौर पे प्रिंट नजर आ जाए और कन्वीनियंस बार उधर ना जाना पड़े हमें लैब्स में इन ऑर्डर टू गेट प्रिंट बिकॉज देर वाज नो प्रिंट नससरी तो ये बड़ी एक्सलेंटली पूरी की उसने इसने डिजिटल कैमरा ने और ये जो सेगमेंट था इसका ये इसकी एक्स्ट्रा अपील्स थी इस वजह से ये जो सेगमेंट था ये शिफ्ट हो गया फ़ौरी तौर पे डिजिटल कैमरा ऑल दो डिजिटल कैमरा की शुरू में प्राइस ज़्यादा थी और ये एक इसका एक नेगेटिविटी थी लेकिन फिर भी इस इस सेगमेंट्स की ख्वाहिश इतनी ज़्यादा थी और इसकी जो एडिशनल और एक्स्ट्रा अपील जो थी वो इतनी ज़्यादा थी कि इन्होंने इसको जल्दी से अडॉप्ट कर लिया अब इस वजह से डिजिटल कैमरा सर्वाइव किया क्योंकि उसको इनिशियली एक अच्छा सेगमेंट मिल गया टू वर्क ऑन अब उसने अपनी क्वालिटी के ऊपर जोर डाला और उसको फोकस किया तो अल्टीमेटली इट वाज एबल टू इम्प्रूव द क्वालिटी इवन बेटर देन दोज ओल्ड मैनुअल कैमरास। उसकी वजह से क्या हुआ कि आप ये देखिए ये सेगमेंट जो है इसका इंक्रीज़ होना शुरू हो गया तो वो ये जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स थे ये भी उसी सेगमेंट में शामिल हो गए टू बाय द डिजिटल कैमरा एंड टू अडॉप्ट द डिजिटल कैमरा तो सिमिलरली जब यही जो कैमरा है इसने आ, इसके अंदर और ऐड कर ली यानी वीडियो ऐड कर ली यानी उसको मोबाइल फोन्स आ गए तो फिर बाद में ये जो कैमरा था डिजिटल कैमरा ये उसके अंदर शिफ्ट हो गया तो फिर वो जिनको वीडियो चाहिए थी वो जो वेब कैम खरीदते थे वो जो वीडियो कैमरा अलहदा से खरीदते थे इंक्लूडिंग सेल फोन कस्टमर्स ये सारे जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता आप इसकी कस्टमर बेस में शामिल होते चले गए सो इन ट्रडिशनल मार्केटिंग ए मैनेजर फर्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट बेस्ड ऑन साइज एंड ग्रोथ वो देखता है कि कौन सा मार्केट का सेगमेंट है जिसमें नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा है और जिसमें में मुस्तबिल में ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि ये जो सेगमेंट है ये बढ़ता ही चला जाएगा आम तौर पे हम ऐसे देखते हैं एंड देन हैज़ रीच एंड डेवलपमेंट एंड डेवलप ए न्यू प्रोडक्ट फॉर इट फिर वो उस सेगमेंट को सामने रख के नई प्रोडक्ट डेवलप करता है ये तो एक ट्रेडिशनल uh, मार्केटिंग है लेकिन फ्लैक्चुशन में इन कंट्रास्ट एंड एंटरप्रनोर्स रेडिकल न्यू प्रोडक्ट एप्लीकेशन कि उस जो नई टेक्नोलॉजी है उससे वो उसने क्या प्रोडक्ट बनाई है दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन द टारगेट कस्टमर सेगमेंट इज़ आइडेंटिफाइड एंड सिलेक्टेड अभी यही हमारी डिजिटल कैमरे वाली अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जब उसको उसको कैमरे की शेप दी गई तो उसको एम और जो लेयर के लिए इस्तेमाल कर रहे थे कैमरा उनको आ, पहले फोकस किया गया उनको टारगेट किया गया क्योंकि इनमें से ऐसी ऐसी लोग थे जो कि अफ़ोर्ड कर सकते थे जिनके पास इतने पैसे थे कि वो ये डिजिटल कैमरा ख़रीद सकें और इसको लेयर के लिए और इसको आम घरेलू फ़ोटोग्राफ़ी में या जब आप किसी पिकनिक पे जाते हैं किसी फंक्शन में हैं तो उसमें इसको इस्तेमाल करें एंड एंट्रप्रेन्योर कैन ओनली मेक एजाम्पशंस अबाउट सेगमेंट्स एंड देयर प्रेफरेंस एंड देन टेस्ट दैम बाय मीटिंग विद कस्टमर्स फ्राम दिस सेगमेंट टू ऑपटेन फीडबैक तो जब आपके पास टेक्नोलॉजी है और आप इसको किसी प्रोडक्ट की शक्ल में लाना चाहते हैं तो एंट्रप्र्योर जो है वो एज्यूम करता है कि ये जो प्रोडक्ट है फला सेगमेंट में कामयाब होगी या फलां जो लोग हैं फला ग्रुप ऑफ पीपल जो है इसको ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी लगेगी और ये बड़ा सक्सेसफुली वहाँ पे वर्क करेगी लेकिन असल काम तो शुरू होता है कि जब आप उनके साथ ये प्रोडक्ट डिस्कस करें ये प्रोडक्ट उनको इस्तेमाल के लिए दें और फिर उनसे फ़ीडबैक लें तो ये एक प्रोसेस है जो कि एक मुसलस प्रोसेस है कि आप प्रोडक्ट बनाते हैं प्रोडक्ट उनको इस्तेमाल के लिए देते हैं उनसे फ़ीडबैक लेते हैं उनका रिस्पॉन्स नोट करते हैं अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट इम्प्रूव करते हैं फिर देते हैं फिर उनका फीडबैक लेते हैं फिर अकॉर्डिंगली इम्प्रूव करते हैं और यही वो प्रोसीजर है जिससे डिजिटल कैमरा जो है वो इम्प्रूव हुआ और फिर अल्टीमेटली वही डिजिटल कैमरा जो है वो स्मार्टफोन का हिस्सा बन गया तो एज द टेक्नोलॉजी मेच्योर्ड एंड प्रोग्रेस्ड इवन डोमिनेंट कस्टमर्स ऑफ द ओल्ड टेक्नोलॉजी बिकम इंटरेस्टेड वो जैसे भी हमने एग्ज़ैम्पल में देखा कि जैसे जैसे ये डिजिटल कैमरा इम्प्रूव होता चला गया तो वो फ़ोटोग्राफ़र जो कि प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं वो इसकी तरफ देखते भी नहीं थे कि यार ये तो बिल्कुल एक खिलौना है और ये जो है एम के इस्तेमाल की चीज़ है तो जब डिजिटल कैमरा ने अपने आप को इम्प्रूव किया और वो सारे जो स्पैक्स और एट्रीब्यूट्स जो थे प्रोफेशनल कैमरे के जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी बेस्ड था वो सारे स्पेक्स जो हैं वो भी अपने अंदर ले आया और उसने प्रोफेशनल्स के लिए अलहदा से डिजिटल कैमरा बना दिया तो फिर वो प्रोफेशनल्स जो कि ओल्ड टेक्नोलॉजी से क्लिंग्ड uh, थे वो भी डिजिटल कैमरा की तरफ आ गए तो एज ए रिजल्ट द बाउंड्रीज बिटवीन ओरिजिनली सेपरेट मार्केट्स बिगेन टू तो जब आपका सेगमेंट बढ़ गया सेगमेंट के अंदर बहुत सारे सेगमेंट मर्ज कर गए तो फिर इनके आपस का जो डिफरेंस था कि कौन पहले आया या कौन बाद में सेगमेंट बना वो ख़त्म हो गया और वो सारी मार्केट डिजिटल कैमरा की मार्केट बन गई